हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में। मैं पुष्पा आपके सामने और एक रेसिपी के साथ आ गए हूँ। संक्रांति स्पेशल रेसिपीज चल रहे हैं, उनमें से और एक रेसिपी है रवा लड्डू। रवा लड्डू बोले तो इसमें क्या है बोल के आप सोचते हैं। देखिए, आप लोग पूरा कंप्लीट देखने के बाद आप लोगों को ही मालूम होता है। देखिए लड्डू कितना शानदार दिख रहा है, देखते ही खाने का दिल हो रहा है, आपको भी हो रहा होगा। तो चलिए टाइम ज़ाया ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पे पहले नारियल लिया है, सूखा नारियल, उसको अभी मैं कद्दू क्रश कर लेती हूँ। पहले मैं छोटे साइड से करके बताती हूँ आप लोगों को। मैं हमेशा नारियल का चूरा बताया है, सूखा नारियल का चूरा बोल के, मगर कभी मैं आपको लाइव का भी नहीं दिखाया है, इसलिए मैं आज दिखा रही हूँ आप लोगों को। हमें रवा लड्डू बनाने के लिए ऐसा छोटा सा चूरा जैसा चाहिए हमारे को, इसलिए मैं इस तरह से घिस के आप लोगों को बता रहे हूँ। एकदम हमारे को रवा लड्डू जो बनाने के लिए जैसा चाहिए, बारीक सा, एकदम बारीक सा आएगा। आप लोगों को मैं अभी कद्दू क्रश का भी बताती हूँ। आप लोगों को डाउट आता होगा कद्दू क्रश का क्यों नहीं कर सकते, कद्दू क्रश का भी आप लोगों को बताती हूँ। देखिए ये कितना बारीक है, अभी मैं आप लोगों को कद्दू क्रश का बताती हूँ। कद्दूकश का मैं करके बताती हूँ। देखिए कद्दूकश का करने से मोटा आता है लड्डू, उतना खाने के लिए मज़ा नहीं आता है, इसलिए फिर भी आप लोगों को मैं कद्दूकश का करके बताती हूँ। अभी मैं इसका भी बता देती हूँ। देखिए हमको जितना बारीक आया ये कितना मोटा आया। देखिए खाते वक्त नारियल का ही टेस्ट आया तो बिल्कुल दिखेगा अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए चूरा जितना बारीक है तो उतना अच्छा टेस्ट होएगा। अभी मैं बारीक सा पूरा घिस लेती हूँ नारियल का चूरे को। देखिए मैं नारियल का चूरा रेडी कर लिया है। रवा लड्डू बनाने के लिए जो घर में है वो ही चीज़ों से बना रही हूँ। सूखा नारियल हर एक के घर में रहता है। देखिए मैं अभी एक बाउल में शिफ्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं पैन लगा चुकी हूँ, पैन गरम हो चुका है। अभी इसमें मैं एक चम्मच उतना घी डालती हूँ। घी को गरम होने देते हैं, उसके बाद इसमें मैं आधा कप उतना काजू लिया है, काजू डाल के इसको फ्राई कर लेती हूँ। लाइट फ्राई करना है, कलर चेंज नहीं होना है, लाइट फ्राई करना है। कलर चेंज हो गया तो जो हम लड्डू में दिखेगा तो काजू डिफरेंट कलर दिखेगा, इसलिए लाइटली फ्राई करना है। मैं इसको एक आधे मिनट तक ही फ्राई करूँगी, ज़्यादा भी नहीं, लो फ्लेम में आधे मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। काजू फ्राई हो गया, काजू को निकाल दिया। मैं यहाँ पे रवा ले रहे हूँ, बॉम्बे रवा यानी सूजी, 1.5 कप ले रहे हूँ। पहले एक बार एक कप डाल के थोड़ा सा मैं लाइट ऐसा मिला देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा घी गर्म है, लो फ्लेम में है, फिर भी थोड़ा गर्म है घी। अभी मैं और एक आधा कप डाल रही हूँ। देखिए टोटली 1.5 कप लिया है। अभी ये भी डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। रवा फ्राई हो चुका है, अभी हम थोड़ा ठंडा होने के लिए वेट करते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं। देखिए ठंडा हो चुका है, अभी इसमें शिफ्ट कर लेते हैं। अगर हम गरम पे डालें तो जैसे चाशनी में रवा लड्डू बनाते हैं ना, उस तरह से हो जाएगा गम गम, इसलिए हमें उस तरह से नहीं बना है, डिफरेंट बना रही हूँ मैं। अभी एक बार मिक्स कर लेते हैं। देखिए रवा और नारियल का चूरा दोनों को अच्छा सा मिक्स कर ले रही हूँ। अभी मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ। देखिए 1 कप उतना शुगर लिया है, मगर मैं उतना पूरा नहीं डालूँगी। अगर आप लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है आप लोग 1 कप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 1/2 कप से ज़्यादा डाल दिया है, इसके लिए इतना शुगर बस है, इसलिए मैं 1/2 कप से ज़्यादा डाला है। अब इसको भी अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें मैं इलायची पाउडर डाल देती हूँ। इलायची पाउडर डालने के बाद अच्छा एक अच्छा सा स्मेल आता है और अच्छा टेस्ट भी रहता है, और मुझे तो बहुत पसंद है ऐसा डाल के बनाना। देखिए अभी मैं जो काजू फ्राई करा है उसको छोटा छोटा पीसेस में काट लिया है, वो भी डाल देती हूँ। और थोड़ा सा किशमिश, देखिए किशमिश भी कितना अच्छा दिख रहा है, इसको भी डाल के अभी मिक्स कर देती हूँ अच्छा सा। देखिए मिक्स करते वक्त ही बहुत अच्छा दिख रहा है।
और बनाने के बाद भी अच्छा ही दिखेगा, खाने में स्वाद और अच्छा दिखेगा। देखिए मैं अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैं दूध लिया है, नॉर्मल दूध ठंडा करके लिया है, गरम नहीं लेना है, ठंडा एकदम रूम टेम्परेचर। अभी इसमें मैं थोड़ा ही डालूँगी, ज़्यादा भी नहीं, और दूध भी मैं एक कुल मिला के 5 चम्मच उतना दूध है, ज़्यादा दूध भी नहीं है। दूध डाल के रवा लड्डू जो बनाओगे ना, इतना स्वाद आएगा, इतना अच्छा टेस्टी रहेगा। आप लोग बार बार इस तरह से आसान तरीके से बना के अपने बच्चों को और अपना परिवार के साथ एंजॉय करोगे, भूलिए मत। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। देखिए मैं पूरा भी दूध नहीं डाला है, उसमें से भी 5 चम्मच है, उसमें से दूध में से भी 1-3 चम्मच उतना दूध डाला है। देखिए लड्डू बनाना कितना आसान हो गया है। मुझे तो इस तरह से बनाए से लड्डू बहुत पसंद है, मेरे परिवार वाले सभी पसंद करते हैं, इसलिए मैं महीने में एक बार तो भी ज़रूर बनाती हूँ। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम गोल गोल, बहुत अच्छा दिखेगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी रहेगा। लड्डू तो बन चुका है, सभी लड्डू बन चुके हैं। देखिए मैं आप लोगों को प्लेट में परोस के बताती हूँ। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है लड्डू। ऐसा लड्डू हलवाई के पास भी नहीं मिलता है। हम मेहनत से जो करें हैं तो परिवार भी पसंद करेगा और सभी लोग एंजॉय करते हुए खाएंगे। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिए, ट्राई करके कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा बना है। अगर आप लोगों को मेरा रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भूलिए मत, जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी ताकि आप लोगों तक पहुंच सके। 1.5 कप रवा लिया है और 1/2 कप शुगर लिया है और 1/2 कप उतना नारियल का चूरा लिया है और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। देखिए कितना शानदार सा लड्डू बन चुका है। संक्रांति स्पेशल रेसिपीज बना रही हूँ, उसमें से ये 5वां रेसिपी है, रवा लड्डू, बहुत टेस्टी वाला रवा लड्डू। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। अगर मेरा बनाने का तरीका आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर एक कमेंट करिए। अगर इसमें और कुछ डाल के और कुछ मज़ेदार बना सकते हैं तो आप लोग ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं ज़रूर उस तरह से मैं ट्राई करूँगी। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों।